ઈસુદાન ગઢવીને કેમ સીએમ પદના ઉમેદવાર બનાવ્યા શીર્ષ સંવાદમાં અરવિંદ કેજરીવાલે કરી સ્પષ્ટતા ગુજરાતના લોકોએ ઈસુદાનને સીએમ પદના ઉમેદવાર બનાવ્યા ઓટીપી ફોર્મ્યુલા વિશે કેજરીવાલે મોટો ખુલાસો કર્યો છે ઓ ફોર ઓબીસી ટી ફોર ટ્રાયબલ પી ફોર પાટીદાર अरविंद जी आपको एक सवाल यह है कि आपके पास दो बड़े चेहरे थे ईशुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया। गोपाल इटालिया पाटीदार समाज से आते हैं और आप जानते हैं कि पाटीदार वोट बैंक सबसे बड़ी वोट बैंक गुजरात में मानी जाती है, लेकिन आपने ईशुदान भाई को यानी कि ओबीसी समाज के कैंडिडेट को यानी कि आपके आपके उम्मीदवार को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, इससे पाटीदार समाज नाराज नहीं होगा आपसे? ऐसा नहीं, पहली बात तो मैंने नहीं बनाया जी, गुजरात के लोगों से राय ली हमने, गुजरात के लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए, वो उसके बेसिस पे बनाया, गुजरात के लोगों ने बनाया। दूसरा चीज़, आपका जवाब मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया कि आप ओटीपी फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा ये ओटीपी फार्मूला क्या होता है, तो कहता है कि ओ फॉर ओबीसी, तो कहता है आपने ओबीसी को अपना सीएम चेहरा बनाया जी, और ओबीसी समाज इससे बहुत खुश है और ओबीसी समाज जो है वो आपके साथ आ गया इस वजह से। मैं को बड़ा अच्छा, और फिर उसने कहा कि टी फॉर ट्राइबल, बोला कि आदिवासियों के अंदर तो वैसे ही आपका बहुत ज़्यादा आजकल जोर चल रहा है, और पी फॉर पाटीदार, उसने कहा कि आपका अध्यक्ष जो है वो पाटीदार है, बिल्कुल युवा चेहरा है, तो बोला कि आपने ओ टी पी तीनों आपको वोट देंगे।